डाउटनट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के क्वेश्चन मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400। इस क्वेश्चन में हमें एक फोर्स दिया गया है वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। उस फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो है उसका पोजिशन वेक्टर हमें पॉइंट ओ के रिस्पेक्ट में दे रखा है, तो अब हमें उस पॉइंट ओ के अबाउट फोर्स का टॉर्क निकालना है। तो टॉर्क क्या होता है हमारा, आर क्रॉस एफ, ठीक है। अब आर पोजीशन वेक्टर होती है, जिस पॉइंट के अबाउट हम निकाल रहे हैं उस पॉइंट के अबाउट हम पोजीशन वेक्टर लेते हैं, किस पॉइंट का, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का। तो वो हमें प्रोवाइडेड है यहाँ पे, वो कितना है, 2i+3j-k मीटर्स में ये, और फोर्स का वेक्टर तो हमें दिया ही है, ये कितना i+2j+3k, ठीक है। इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, पहले हम क्लियरली लिख लेते हैं, 3j-k cross a i+2j+3k, ये न्यूटन मीटर्स में आएगा हमारा। तो पहले हम i का क्रॉस करते हैं j और k के साथ, तो i क्रॉस j k हो गया, ये कितना हो गया, a कॉमन, इधर हो गया 4k, और फिर i और k का करते हैं तो -6j। अब j का करते हैं i के साथ, वो हो गया -3k, और j का करते हैं k के साथ तो हो गया +9i, ठीक है। अब करते हैं k का i के साथ, वो कितना हो जाएगा, k क्रॉस i हमारा हो जाएगा +j, और माइनस इधर तो -j। अब k का j के साथ करते हैं तो वो कितना आता है, -y, और ये प्लस है तो +2i, ठीक है। तो अब हम इसको ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ गया, a, और i का कितना गया, 9i+2i, ये 11i हो गया हमारे पास, -7j+k, ये हो गया हमारा न्यूटन मीटर टॉर्क।